हर्ष न्यूज़ की सारी खबरें आप तक। करावल नगर थाने की टीम ने मौके से दो महिला सेनेचर को गिरफ्तार किया। उत्तर पूर्वी जिला के DCP डॉक्टर जोय एन टिर्की ने शुक्रवार की दोपहर मीडिया से प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि दो महिलाओं को करावल नगर क्षेत्र से गिरफ्तार किया है मौके से, जो कि एक महिला की सोने की चेन छीन रही थी। आगे DCP ने बताया कि ये चार महिलाओं का गैंग है, इसमें दो महिलाएं अभी फरार हैं जिन्हें पकड़ने का प्रयास जारी है। सुने इस पर DCP डॉक्टर जोय एन टिर्की की प्रेस वार्ता। और आप लोग के माध्यम से बाकी भी लोगों को पता लगे कि इस तरह का भी इनको बाहर रखिए, मैं बताता हूँ इनको, आपको, आप लोग के माध्यम से बाकी लोगों को भी पता लगे कि इस तरह की भी गैंग दिल्ली में एक्टिव है। तो कल ये करावल नगर में एक इंसिडेंट हुआ है जिसमें चार लेडीज़ का गैंग था ये, और सारे यंग लेडीज़ हैं। उन्होंने एक महिला को घेर लिया मार्केट में थी वो, और एक ने चेन छीना और तुरंत उसके पीछे जो लेडी थी उसको दे दिया। भीड़ में उस लेडी ने जिसका चेन छीना गया था उसने पकड़ भी लिया उसको। थैंकफुली उसका भाई साथ में था, बाकी लोग भीड़ में कुछ लोगों ने हेल्प किया और दो लेडीज़ को हम लोगों ने पकड़ लिया। तो जब उनसे इंटरोगेशन किया तो पता लगा ऐसे उन्होंने कई इंसिडेंट्स और करे थे। अभी हम लोग वो एसरटेन कर रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा शाम हो गया था। अभी रिमांड पे भी लाएंगे इनको। एक लेडी है अनु और एक का नाम है नंदिनी, और एक मदनगीर के रहने वाली है, एक ISBT के पास रहते हैं, और बाकी भी कश्मीरी गेट के पास में दो लेडीज और का नाम लोग बता रहे हैं। तो इंटरेस्टिंग ये है कि हमारे ही ज़िले में एक दो इंसिडेंट्स और मिले और बाकी दिल्ली के भी ये ISBT के आसपास के कुछ इंसिडेंट्स बता रहे हैं। देखते हैं इनमें से कितने रजिस्टर्ड हैं और कितने कंप्लेनेंट हम लोग ढूंढ पाते हैं। पर इस तरह के गैंग मुझे याद है, जब मैं क्राइम ब्रांच में था तब हम लोगों ने दो गैंग इस तरह के पकड़े थे जो कि मंगोलपुरी सुल्तानपुरी के साइड में चलते थे। पर इस तरह के गैंग पहली बार हम लोगों ने पकड़े। मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर। कब के दिन से एक्टिव थी ये वाली गैंग की बात कर रहे हैं? ये बता रहे हैं पिछले 6-8 महीने से ये लोग इस तरह की वारदात कर रहे हैं। और ये लोग नॉर्मली इस तरह से करते हैं कि बस में चढ़ गए तो किसी लेडी को कॉर्नर कर लिया, या फिर बिजी मार्केट में किसी लेडी को देख लिया, आइडेंटिफाई कर लिया। और मोस्टली इनके जो टारगेट्स हैं वो लेडीज ही हैं, और फटाफट छीन के और पीछे जो लड़की होती है उसको पकड़ा देते हैं। और भीड़ इतनी होती है वो पीछे वाली निकल गई, और अभी भी इसमें हमें चेन नहीं मिला है। पर हमें उम्मीद है कि इनको रिमांड पे लेकर आते हैं, फिर चेन रिकवर करेंगे। सर, आपने ये केस को वर्कआउट कर लिया। हाँ, लेकिन सर ऐसे कई सारे मामले जो है, जलंधर का जो मार्केट लगती है, हाँ, इसके अलावा जो शादरा मार्केट लगती है, कई सारे ऐसे केस आते हैं जो लोग जो है कंप्लेंट भी करा पाते इस वजह से, क्योंकि महिला होती है कि उल्टे एलिगेशन लगा देती है। तो सर इसका क्या इलाज है? नहीं तो अभी हम लोग इनसे इंटरोगेट कर रहे हैं, जितने ये स्पॉट्स बताते हैं हमें थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि कल भी इनको हमने जब अरेस्ट किया तो हमें उनकी परमिशन ली इसके बाद, बिकॉज लेडीज़ यू कैन नॉट अरेस्ट आफ्टर दैट। तो परमिशन दे एक अब बता। तो अभी इनको रिमांड पे लेके आते हैं, आगे की तफ्तीश करेंगे, जहाँ जहाँ बताते हैं वहाँ हम जाएंगे, आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। अगर केस दर्ज है तब तो बहुत अच्छा, नहीं है तो हमारी कोशिश रहेगी कि केस दर्ज करें। हाँ सर, ये ज्वेलरी को टारगेट करते थे या मोबाइल वगैरह भी इस्तेमाल करते थे? सिर्फ ज्वेलरी। आप क्या पूछ रहे? सर कितने मामले सुलझाए गए अभी तक? नहीं, अभी तो एक केस जो कल दर्ज हुआ है उसी पे रिमांड लेकर आएंगे, अभी आगे वाले हमने कनेक्ट करने हैं, थोड़ा काम बाकी है इसमें। सर ये जो जो ज्वेलरी लूटपाट करती थी, जैसे चिकनी करती, इस ज्वेलरी को किसको बेचती थी, कुछ आइडिया? अभी कर रहे पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, इस समय मैं नहीं बताऊंगा।